कासगंज जनपद के पटियाली तहसील क्षेत्र स्थित गांव बहादुर नगर में बुधवार की दोपहर अपने आश्रम पर सूरजपाल उर्फ भोले बाबा पहुंचे। बता दें, जनपद हाथरस के सिकंदरा राव सत्संग हादसे के बाद सूरजपाल उर्फ भोले बाबा पर देश दुनिया की निगाहें टिकी हैं। आखिर बाबा कहाँ हैं? बाबा सूरजपाल बुधवार की दोपहर साकार विश्वहरि धाम बहादुर नगर आश्रम पर अपने वकील एपी सिंह के साथ अचानक पहुंचे। जैसे ही भोले बाबा के आश्रम पर आने की भनक भक्तों को लगी, आश्रम पर भक्तों का तांता लगना शुरू हो गया। हालांकि बाबा के सेवादारों ने व्यवस्था को पूर्ण रूप से संभाल लिया। इसी दौरान बाबा के वकील एपी सिंह ने बताया कि चिकित्सकों के परामर्श के अनुसार शारीरिक स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए वह अपनी जन्मभूमि बहादुर नगर पहुंचे हैं। वकील एपी सिंह ने आश्रम पर मौजूद श्रद्धालुओं से अपील की है कि जो श्रद्धालु मन में सच्ची आस्था और श्रद्धा रखते हैं, वह आश्रम पर ना आने की कृपा करें और अपने घर पर ही रहकर नारायण साकार विश्वहरि को याद करें। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। हम 2 जुलाई की घटना के बाद से बहुत ही अवसाद से ग्रसित हैं, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। जो आया है उसे एक दिन तो जाना ही है। भले कोई आगे पीछे हो, भोले बाबा पहुंचे हैं, क्या कहना? आज नारायण साकार हरि अपनी जन्मभूमि बहादुर नगर तहसील पटियाली कासगंज उत्तर प्रदेश में पहुंचे हैं और डॉक्टरों की परामर्श के अनुसार, जो चिकित्सकीय परामर्श है उनके अनुसार, पूर्ण रूप से स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए अपनी जन्मभूमि में यहाँ पधारे हैं। और वो 13 साल पहले एक बार आए थे, 2023 में एक दिन के लिए आए थे, तो हम लोगों ने प्रार्थना की कि वो नारायण साकार हरि जी यहाँ पधारे। जन्मभूमि है, आप लोगों की भी इच्छाएं हैं, अभिलाषाएं हैं, आस्था है, श्रद्धा है, विश्वास है, तो वो भी पूरा होना चाहिए। तो उन्होंने इसको स्वीकार किया और यहाँ आए हुए हैं और आप लोगों के माध्यम से ही जो हमने वादे किए थे SIT को लेकर, हमें पूरा विश्वास है, ऑनरेबल रिटायर्ड हाई कोर्ट जस्टिस के कमीशन में हो रहा है सारी जांच, हमें उस पर भरोसा है। जो मृतक परिवार हैं उनसे हमारी पूरी ही सद्भावना है और नारायण साकार हरि जी ने जी अपनी सद्भावना व्यक्त की है और साथ में जिला स्तर की कमेटियों से भी अनुरोध किया है कि वो अपने अपने जिले के जो भी मृतक परिवार है और इंजर्ड परिवार हैं उनके लिए तन मन धन से पूरी तरह से समर्पित रहे। जो मृतक परिवार है उनकी कोई बहन बेटी शिक्षा के लिए अधूरी ना रहे, कोई भी बेटा बेटी बहने हमारी से शादी के लिए ना रह जाएं, कोई आर्थिक संकट ना उत्पन्न हो, तो ये वो पूरी तरह से जिला स्तर की कमेटियां कर रही हैं मृतक परिवारों और इंजर्ड परिवारों के लिए। और साथ में SIT और जो कमीशन बनाया हुआ है ऑनरेबल उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महाराज जी योगी जी ने, हम उस पर शासन प्रशासन पर पूरी तरह से विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं। नारायण साकार हरि जी ने भी, मैंने भी ये धन्यवाद दिया है कि जो भारत सरकार ने सहायता राशि 2 लाख रुपए मृतकों के लिए दी है, साथ में जो उत्तर प्रदेश सरकार ने, उन्होंने भी 2 लाख रुपए की सहायता राशि और 50,000 इंजर्ड के लिए दी, उनका भी धन्यवाद। देश की सरकार का धन्यवाद, पुलिस प्रशासन का धन्यवाद। और जांच में पूरी तरह से नारायण हर साकार हरि भी सहयोग करेंगे, जब जहां कहीं जो भी जरूरत होगी वो उपस्थित रहेंगे। मैंने आपसे वादा किया था वो कहीं भागे नहीं है, आज आपके यहाँ सामने हैं। कब तक रुके हैं बोले? इतना समय जन्म स्थली है, देखिए जन्मभूमि है, जन्मभूमि से स्वर्गदपि गरिया से, मातृभूमि जन्मभूमि और माता दो को तो कभी नहीं भूलना चाहिए। तो नारायण साकार हरि भी जन्मभूमि पर आए हैं, जन्म स्थली पर आए हैं, लेकिन आपसे अनुरोध करते हैं कि पूर्ण स्वास्थ्य लाभ के लिए हैं, लेकिन यहाँ कोई भी श्रद्धालु जो आस्था और श्रद्धा विश्वास रखते हैं वो यहाँ आने की कृपा ना करें। अगर आप में मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के लिए आस्था है, श्रद्धा है, विश्वास है, जैसा कि यहाँ उपस्थित लोगों में दिख भी रही है और पूरे देश में फैले 3 से 4 करोड़ फॉलोअर्स जो हैं, जो नारायण साकार हरि में विश्वास करते हैं, मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में भरोसा करते हैं, उनसे भी अनुरोध है कि वो
अपने अपने घरों में, अपने अपने निवास स्थान, प्रतिष्ठान, फैक्ट्री, दुकान, उद्योग, जहां कहीं भी हो, यदि वो आस्था और श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ नारायण साकार हरि जी को याद करेंगे, तो मेरा ऐसा विश्वास है कि नारायण साकार हरि जी उन्हें उन्हीं के घर, उन्हीं की दुकान पर, उन्हीं की प्रतिष्ठान, उन्हीं की फैक्ट्री, उन्हीं के स्कूल, उन्हीं के खेत खलिहान में उपस्थित मिलेंगे। भावना से जब आप उन्हें याद करेंगे, नारायण साकार हरि जी ने, आपको भी पता है, इतने वर्षों से नारायण साकार हरि ने, जिन्हें ना कभी सोशल साइट्स, सोशल मीडिया, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन का, यूट्यूब का कभी उन्होंने प्रयोग नहीं किया, ना आज किया, ना कल किया, ना कल करेंगे वो। और मीडिया ने आज तक कोई उनका इंटरव्यू लिया नहीं, ना कभी उन्होंने दिया, लेकिन अगर जहां कहीं भी कोई उनके भाव व्यक्त करने की आई, वो भी कोई न्यूज एजेंसी के द्वारा उन्होंने पहले भी व्यक्त किए हैं, आगे भी उनका संदेश आप तक मिलता रहेगा, आप तक पहुंचता रहेगा। और आप में अगर भावना, सच्ची श्रद्धा और आस्था है, तो निश्चित तौर पर आपका तो जानते हैं, आपके तो हर सवाल का जवाब वो देते रहते हैं और देते रहेंगे, ये सच है। भाई यार, मैं बाबा जी का नाम नहीं है, उसके बाद अपना पक्ष क्यों नहीं रखते? अब मैंने लगातार रखा है, 3 जुलाई से ही आपके बीच हूँ, रख रहा हूँ लगातार है, क्योंकि नारायण साकार हरि जी घटना स्थल, जो दुर्घटना स्थल, दुर्घटना बीभत्स थी, दुखद थी, भयंकर थी, उसका हम वर्णन नहीं कर सकते, वो ऐसी जीवन में कभी नहीं देखी, बड़ी दुर्घटना थी। या तो 1965 में प्रयागराज में इलाहाबाद कुंभ में हुई थी, जिसमें 800 लोगों की मौत हुई, या पीछे कुछ अमरनाथ यात्रा या वैष्णो देवी या राजस्थान में पीछे जोधपुर में ऐसी घटनाएं हुई। अभी पीछे पीछे जो घटना हुई मक्का मदीना में हुई, मक्का मदीना में 1000 से अधिक लोगों की गर्मी से मौत हुई। लेकिन दुखद यह है, हम मीडिया से भी कहना चाहते हैं, अपने देश की, हम सनातन धर्म को इतना सॉफ्ट टारगेट किया जाता है, इतना हल्का लिया जाता है, इतने हल्के में लिया जाता है, कि कोई भी राजनेता कह देता है सनातन धर्म डेंगू है, मलेरिया, एचआईवी, एड्स है, ऐसा कह देता है, लेकिन किसी दूसरे धर्म के लिए नहीं बोल सकते कभी। यहाँ के लिए आपने सवाल उठाए, लेकिन मक्का मदीना में जो 1000 से अधिक मौतें हुई, किसी मीडिया चैनल्स ने किसी से कोई सवाल नहीं पूछे, जबकि वहां तो एंट्री होके जाती है, वहां तो काउंटिंग होके जाती है। हम यहाँ अपनी मजबूरी समझ रहे हैं कि हो सकता है 80,000 से अधिक लोग सिकंदरा राव में पहुंच गए हों, क्योंकि कोई काउंटिंग मशीन हमारे पास नहीं होती है, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जो 80,000 बढ़ते ही हमारे पास कोई रेड लाइन आ जाए, ये गलती महसूस कर सकता हूं अपनी। लेकिन सनातन धर्म को इतना सॉफ्ट टारगेट किया जाता है कि दूसरे धर्म की बात होती है, वहां को लोग सवाल नहीं उठाते, सनातन धर्म, क्योंकि नारायण साकार हरि उसके पूर्ण रूप से पालन करते हैं, इसलिए ऐसा करते हैं। साकार मिश्र जी आज अपने पैतृक गांव पहुंचे हैं, और उनकी सूचना मिलने के बाद सैकड़ों भक्त यहां पर पहुंचे हैं, क्या भोले बाबा उनको क्या दर्शन देंगे? हाँ, हम सभी से अनुरोध कर रहे हैं, हाथ जोड़ के, आप लोग बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, देश विदेश में आपकी खबर जाएगी, आप सब वरिष्ठ चैनल्स हैं, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ सभी से कि यहाँ बोर्ड, थोड़ी देर में बोर्ड लग जाएगा, यहाँ स्टेशन पर, बाहर हाईवे पे, सभी जगह लग जाएगा, जिसमें साफ तौर पर विशेष सार्वजनिक सूचना के रूप में लिखा है कि नारायण साकार हरि जी यहाँ स्वास्थ्य दिना कोई कार्यक्रम देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।